नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विवेक गुप्ता बोल रहा हूँ और करियर काउंसलर नहीं, MBBS काउंसलर नहीं, सिर्फ करियर काउंसलर। और आज 3 जून है, कल बहुत बड़ा दिन है, 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं, तो ये वीडियो आपको एक अच्छी थॉट देगा। और जैसे मैंने आपको कई बार समझाया है कि अगर हम 2023 रूल से चलते हैं तो 90% ऑफ इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स एंड 100% ऑफ गवर्नमेंट सीट्स विल बी गिवन बाई काउंसलिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर, नो जुगाड़, नो साइड डोर, नो बैक एंट्री। अब जो 10% बचे, जो 10 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, रफली स्पीकिंग अब 2.5% बची, मतलब 2 से 2.5 हज़ार टोटल सीट्स हैं ये, जो सारी गेम कह लो, अब जो मर्जी कह लो। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सो एज़ पर, अगेन रिपीट करूँ, 2023 के रूल के हिसाब से हमारे पास कर्नाटका का NRI और क्यू कोटा है, हमारे पास मध्य प्रदेश की NRI सीट्स हैं जो कि ओपन है बाहर वालों के लिए, स्पेशली जो नॉन ब्लड रिलेशन वाले हैं। फिर हमारे पास राजस्थान के कॉलेजेस की महंगी सीट्स हैं, और सबका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। और चौथा, हमारे पास शुरू के 2 राउंड में पौंडेचेरी और तमिलनाडु के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का नेगोशिएशन है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, हमारे पास मध्य प्रदेश NRI सीट्स हैं, कर्नाटका NRI एंड ओकोटा है, हमारे पास राजस्थान सीट हैं, और हमारे पास पौंडेचेरी और तमिलनाडु की कुछ MCC डीम यूनिवर्सिटीज़ में नेगोशिएशन का चांस है। अब इसका क्या मतलब है समझिए, तमिलनाडु और पौंडेचेरी की सारी सीटें सारी भर जाती हैं, लेकिन हमेशा इनको लगता है जो कि पौंडेचेरी की डीम कॉलेजेस हैं, लाइक आरूपेडू या महात्मा MGM के अलावा जो बाकी तीनों हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, बट मोटा मोटी आरूपेडू हो गया। सिमिलरली तमिलनाडु में हम आते हैं तो भारत हो गया, सत्यसाई हो गया, इन सबको ने जो अपनी MRP है ना, वो 24 लाख 25 लाख रुपये साल की रखी हुई है। इतनी फीस इन्हें कोई देना नहीं चाहता, पर ये लेना तो चाहते हैं ना, तो ये देखते हैं कि माहौल क्या चल रहा है, मौसम क्या चल रहा है। और अगर इनको लगता है कि इनकी सीटें भर रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर इनकी सीटें नहीं भर रही हैं तो फिर ये आपको अक्सर दिखाई देगा कि राउंड 1 या 2 के आसपास आपसे कहा जाएगा कि आइए और हमारी सीट लीजिए और हमको पैसे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इनकी फिर शर्त होती है कि आप राउंड 1 में जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो सबसे ऊपर इनका कॉलेज भरेंगे जो भी आपने बात करी है। तो अगर आप भारत से बात कर रहे हो, आप चले गए भारत, आपने लाला जी से चेयरमैन ड्रेड बात की, एक ही शर्त होगी कि जब MCC की चॉइस फिलिंग होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत डालोगे, वरना आपने पहले 20 कॉलेज डाल के 21वें कॉलेज में भारत डाला और आपको पहले 20 मिल गए तो फिर भारत की सीट कैसे मिलेगी, तो आप सिर्फ भारत डालोगे। फिर भी गारंटी थोड़ी ना कि आपको सीट अलोकेट होगी, अगर ना हुई, वैसे आज तक हो जाती है क्योंकि 2-3 कॉलेज तो ऐसे हैं जिसमें अलॉटमेंट ही नहीं होती है ना, जैसे जो श्री बालाजी है चेन्नई का, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ध्यान से समझिए इस बात को। तो आपको बात हो गई थी आपकी तय, आपने पहले से नेगोशिएटिंग कर लिया था कि भाई हॉस्टल मिला के लेट से 1 करोड़ या 1.05, चेयरमैन साहब का कॉन्ट्रैक्ट साइन है, आपको राउंड 1 या 2 में अलॉटमेंट हो गई, आपने जाके रिपोर्टिंग करके आप बाहर हो गए। पर जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा, उनको लगता है कि हाँ भी हमारी सीटें भर रही हैं MRP पे, तो वो क्यों ही डिस्काउंट देंगे, करेक्ट। अब सिमिलरली जो कर्नाटका में भी ओ कोटा है, NRI कोटा है, या मध्य प्रदेश का NRI सीट है, और राजस्थान की जो सबसे कॉमन हो गया, और मध्य प्रदेश का भी जो आई, वो महाराष्ट्र का भी IQ कोटा है। अब इसमें चीज़ समझिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना, मध्य प्रदेश में राउंड 1 में नॉन मध्य प्रदेश वाले पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, इवन इन दी NRI सीट, समझिए। राजस्थान में, राजस्थान क्या क्लोज स्टेट है पहले 2 राउंड के लिए, दैट मीन्स आप अभी जाके राजस्थानी कॉलेज से बात कर रहे हैं, वो आपसे कमिटमेंट कर रहा है, शायद आपसे फीस भी ट्रांसफ़र करा देगा, पर आपको सीट मिलेगी राउंड 3 में, क्योंकि 2023 के रूल के हिसाब से ऑफलाइन राउंड होगा जहाँ पर वो मैनेज करते हैं अंदर, और आपसे ज़्यादा नंबर के बच्चे आ जाए तो भी वो उनको हटा के आपको देते हैं। मेरी आंखों की देखी बात है, उन चीज़ को हम भी कहते हैं, बट यू विल वेट टिल राउंड 3। मध्य प्रदेश में यू विल वेट टिल एटलीस्ट राउंड 2। अब अगर राउंड 1 में मध्य प्रदेश में के ही डोमिसाइल के सारे बच्चे NRI की सीट लेने को तैयार हो जाएँ, अमीरी बहुत आ जाए, और वह सब चॉइस फिलिंग करके उस कॉलेज की MRP की सीट देने को तैयार हो जाएँ, समझिए, तो फिर वो सारी सीटें उनको मिल जाएंगी, फिर आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, चेयरमैन बुलाएगा और आपको पैसे वापस कर देगा भाई सॉरी बोल के। कर्नाटका में भी क्या होता है, चूँकि राउंड 1 और राउंड 2 तक इस फ्री एंट्री विदाउट एनी डिपॉजिट,
तो मेरे 480 नंबर है, पहले मैं भरता हूँ सारे के सारे 11 लाख वाले, फिर मैं नीचे भर देता हूँ सारे के सारे ये 35 लाख फीस। मेरे पे कोई पेनल्टी नहीं है, मेरे को 35 लाख वाली फीस नीचे की एक एलोकेट हो गई। आपको पता होगा ना कि बेंगलोर में कर्नाटका में रूल है कि आप राउंड टू में जा सकते हो ना विद द सेम सेट ऑफ ऑप्शंस। अब राउंड टू आएगा, अब फिर से जो बचे हुए लोग हैं वो फिर से 38 लाख वाली सीट भर देंगे, तो आपको असली में सीट कम मिलेगी राउंड तीन में, मिलनी तो एलोकेशन से है। अब अगर राउंड वन या टू में गलती से लोगों ने पूरी फीस भर दी कर्नाटका की, जो कि 35-36 लाख रुपए साल की है, कम नंबर वाले थे उन्होंने अलॉटमेंट करा के पूरी फीस भर दी, तो भी आपको सीट नहीं मिलेगी ना, अगर आपसे उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद कॉलेजेस डायरेक्टली। फ़र्क क्या होता है, व्हेन यू हायर अ गुड काउंसलर और कंसल्टेंट जिनके पास कॉलेज की पकड़ है, और मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ जो हमारे पास मिलने आते हैं, और मैं इतना भी बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ कि मेरे पास मध्य प्रदेश के सारे के सारे, राजस्थान के सारे में, या कर्नाटका के हर कॉलेज में मैंने 5-5 सीटें खरीद रखी हैं। बट मैंने और हमारे टीम ने, जिसे कहते हैं कि हमने अगर राजस्थान में या MP में कुछ कॉलेज में ले रखा है, मेरे किसी बिजनेस पार्टनर ने कर्नाटका में ले रखा है, तो हम 4-5 जने मिल के तकरीबन हमने हर कॉलेज में 5-5 सीटें कमिटमेंट में उठा रखी हैं, जिसमें जो भी नेगोशिएटेड प्राइस है वो हमने उनको दे रखा है, और फिर ये हमारी चॉइस है कि हम किस बच्चे को वहाँ फिट करें। तो ये पक्का हो सकता है कि आपने सोचा कि आपको अमेरिकन में जाना है, लेकिन थर्ड राउंड में आपको शायद अमेरिकन के बदले अनंता जाना पड़ जाए, ठीक है ना, और वो सब हम मैनेज करते हैं उस मोमेंट पे। या जब कर्नाटका में चॉइस फिलिंग हो रही है तो हमेशा कहेंगे एक नहीं आप 3 कॉलेज का सेट लेके चलिए, मध्य प्रदेश में भी आप एक नहीं 3 कॉलेज का सेट लेके चलिए, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप LN, चिरायू और पीपल दोनों को, तीनों को लेकर चलिए, और बिंदु को हम छोड़ भी देते हैं और RD को छोड़ देते हैं। अगर हम उस नेक्स्ट लीग की बात करें या उसके नीचे आ गए तो आप इंडेक्स, अमलतास और LN इंदौर को इकट्ठे लेके चलिए, या कर्नाटका में आप BGS, डॉक्टर चंद्रमस, दयानंद सागर और सप्तागिरी को इकट्ठे लेके चलिए सेट, एंड देन वी विल मेक श्योर कि अगर गड़बड़ भी हो जाती है आपके चॉइस नंबर वन में, तो हम आपको चॉइस नंबर टू भी दिला दें विद द नेगोशिएटेड फीस जो हमने आपके साथ अभी तय कर ली है। सो दैट इज़ द जॉब। क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था मेरे कमेंट्स पे कि सर अगर हम सबको, सबके पास SMS आते रहते हैं हर कॉलेज में ये रेट है, तो डायरेक्टली हम कॉलेज चले आते हैं तो हमें किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये है अंदर की बात। तो अब आप ये समझिए जो कंसल्टेंट है ही इज़ स्टिल आंसरेबल टू यू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उसको आपसे बिजनेस चाहिए। कॉलेज का ऐसा नहीं है, कॉलेज किसके सगे नहीं है, कॉलेज भी समझ लो कंसल्टेंट के सगे हैं, और कंसल्टेंट आपका सगा इसलिए है जो अच्छा कंसल्टेंट है कि उसको मार्केट में अगले साल भी काम करना है। और दूसरा हमारे पास मतलब असली चीज़ ये है, तो आपको वो 3-4 का हमेशा ब्रैकेट लेकर चलना है। Nobody can assure you as of today। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और मेरी सलाह ये है कि जहाँ पर आप 130-140 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं ना, क्योंकि जितनी हमने बात की किसी में भी हॉस्टल मिला के आपका 125 करोड़ से कम का पैकेज नहीं है, तो कोई काउंसलर अगर आपसे इस सारी सेटलमेंट के 125,000-150,000 रुपए फीस मांग रहा है, विच इज़ अगेन पीनट्स, इट इज़ नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेंड, करेक्ट। तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो राइट प्रॉपर्टी डीलर, अकाउंटिंग संभाल रहे हैं तो राइट चार्टर अकाउंटेंट, इस तरह की सीट लेने वाले हैं तो राइट कंसल्टेंट कह लीजिए, एजेंट वर्ड कह लीजिए, इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जो 125,000 रुपया फ़ीस देंगे ना, वो बहुत वर्थ होगी आपके लिए ड्रेड कॉलेज में बात करने के मुकाबले। और कॉलेज में जिससे भी आप बात कर रहे हो, मैंने कहा ना जो चेयरमैन होते हैं वो आपके व्हाट्सएप पे जवाब देते नहीं हैं, और नीचे किसी से आप बात करो उन्हें कुछ पता नहीं, उससे ज़्यादा उन लोगों का हाथ होता है जो हर साल उनको 4-5 सीटें देते हैं, क्योंकि उनकी वो जो 23 या 27 जितनी भी टोटल सीट्स हैं वो भरनी हैं, वो उन कंसल्टेंट एजेंट्स के थ्रू भरती है। दैट्स माई एडवाइस टू यू दैट हमसे लीजिए, किसी से लीजिए, बट फाइंड अ रिलायबल कंसल्टेंट और एजेंट। अगर आप महाराष्ट्र की IQ कोटा, कर्नाटका का ओ कोटा, NRI कोटा, मध्य प्रदेश का NRI सीट या राजस्थान की मैनेजमेंट सीट लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो ऑलवेज गो थ्रू अ कंसल्टेंट। और इसके अलावा कोई भी सीट हिंदुस्तान में एज़ पर 2023 रूल किसी और तरीके से नहीं मिल सकती, कोई नेगोशिएशन नहीं है। DY पाटिल को ना नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, ना भारतीय विद्यापीठ को, ना शारदा को, ना रामा को, ना SKS मथुरा को। तो जहाँ कोई नेगोशिएट ही नहीं कर रहा,
तो आप पहले जाके क्या ही बात करोगे, राइट। और जो मैंने आपको चारों नाम लिए, इट इज़ मोर फॉर नेगोशिएशन एज फार एज कर्नाटका। एंड अगर आप देखो एम आर पी पर सीट लेने को तैयार हैं कोई भी, फिर तो कर्नाटका का फॉर्म भरिए और चॉइस फिलिंग कीजिए, जो भी आपको सीट मिल जाए वो कोटा की पूरी फीस दीजिए और जाके पढ़ाई कीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके आपके अगर 20-25 लाख बचते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ द वर्थ इन्वेस्टमेंट। एंड उसमें जैसा मैंने कहा कि फ्यू थिंग्स कैन बी डन बाई काउंसलर्स, जो कि शायद आप डायरेक्ट भी नहीं कर सकते। तो यू नो ओवर नंबर 9643362320, कॉल कीजिए अगर आप इनमें से कोई सीट लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब जून स्टार्ट हो चुका है एंड राइट नाउ इज़ अ टाइम वेयर ऑल दीज नेगोशिएशंस एंड बुकिंग्स आर हैपनिंग। बट मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, प्रैक्टिकली आप बुकिंग एक कंसल्टेंट के पास कर रहे हैं, जो कि फिर एक कॉलेज को बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है। और जैसा मैंने कहा कि फ्यूचर में अगर हमें बच्चा चेंज भी करना पड़ जाए तो हम अपने एंड भी कर सकते हैं, समझे आप बात को। जैसे राजस्थान में राउंड 3 में आपको जाना है, तो हम उनसे कहते हैं कि आपने हमारे को सीट दे दीजिए कन्फर्म करके, और फिर आपका राउंड 2 में कहीं और हो जाता है तो आप बैकआउट कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा नुकसान होगा और राउंड 3 में हम किसी और बच्चों को वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चलता है, दैट इज़ द जॉब ऑफ ए राइट कंसल्टेंट। 9433-62320, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बट यू नो दैट वी डोंट टॉक फ्री विद एनीबडी, सो यू हैव टू पे व्हेन यू कॉल, 2500 रुपये फॉर फोन का टॉक, 5000 रुपये फॉर फेस टू फेस, एंड देन द पैकेज रेंजेस फ्रॉम 30,000 to 1.5 लाख। फॉर दिस काइंड ऑफ हेल्प वी चार्ज 1.5 लाख। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।